गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? तो सबसे पहले आप सभी को जय माता दी प्रणाम। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हों। बाकी मैं भी ठीक हूँ। और आज ना हड़बड़ाहट सी हो रही है। कल आज बहनी के स्कूल में नवरात्रि फंक्शन है। नवरात्रि के उपलक्ष्य में ना वहाँ पर नवरात्रि मना रहे हैं, तो डांडिया का प्रोग्राम रखा गया है। तो मैं बेटी को फटाफट तैयार कर रही हूँ। और ये देखिए, गुड मॉर्निंग बोल दो। तो अभी इसको पहले फटाफट तैयार कर देती हूँ ना, फिर आपको दिखाऊंगी कि ये कैसी रेडी हुई है। बाकी आप लोग ठीक ही होंगे, फिर मिलते हैं आपसे फुर्सत से। और बेटा चला गया है स्कूल, चलिए रेडी कर देते हैं। कैसी लग रही है भैया? तैयार हो गई है हीरोइन, मेरे को आना जरा। ज़्यादा कुछ तो करा नहीं है, थोड़ा थोड़ा करा है। बाकी ना कल रात मैंने ना ये डांडिया बनाए थे। घर पर ही दिखाओ, ये घर पर ही बना दिए थे मैंने। फाइनली देखे, ऐसी लग रही है हीरोइन। करके दिखा तो थोड़ा, कैसे करोगी स्कूल में? हैप्पी नवरात्रि। हैप्पी नवरात्रि। चले? हाँ चलो, फिर एक फोटो खींच लो। ओके चलो, डांडिया के साथ खींचेंगे ना। डांडिया ऊपर उठाओ। तो जी, बेटी को छोड़ के तो मैं आ गई हूँ ना। आप देखिए यहाँ कौन सी चीज़ कहाँ है, सब मिक्स करके गए हैं। और ना पहले उसने ये वाली ड्रेस पहनी थी, फिर उसको पसंद नहीं आई। उसने बोला नहीं, मुझे घूमने वाला ही पहनना है। तो फिर ना अपना वो दूसरा ड्रेस पहन के गई। तो फिलहाल ना इतना सामान है, देखिए ये है और नीचे इतना सारा फैला हुआ है। ये सारा सामान मुझे सब अलग अलग बॉक्स में रखने हैं, तो बहुत टाइम लगेगा। और यहाँ भी पूरा फैला हुआ है। और ये देखिए, इनका यूज़ ही नहीं कर पा रही, मुझसे हो ही नहीं रहा है। तो सीखती हूँ, धीरे धीरे फिर होगा। ये देखिए यहाँ, और ये सब कौन सा कहाँ है, कौन सा कहाँ है, सारा मिक्स हो रखा है। तो ना मैं फटाफट ये सारा सामान पहले संभाल लेती हूँ, उसके बाद आपसे फुर्सत से मिलती हूँ। सुबह भी फुर्सत नहीं हो पाई, अभी भी वैसे ही हो रहा, लेकिन इसको संभाल लेती हूँ, फिर आपसे मिलूँगी सारा काम निपटा के। चलिए, ये देखिए, ये सारे बॉक्स वगैरह मैंने सब सजा के रख दिए हैं। और बेडशीट वगैरह सब वॉश करने के लिए, मतलब वॉश हो चुकी है। और ये रूम हो गया साफ़। बाकी ना ये वाला रूम भी साफ़ है।
ये भी क्लीन। अब चलते हैं सीधे छत पे कपड़े डालने, फिर जब बेटी आ जाएगी तब मिलेंगे। सारे बच्चे आ गए ना, और ये सबसे लास्ट में आ रहा है। कैसा रहा मैंने प्रोग्राम? बहुत अच्छा। इतनी देर में कहाँ से आ रहा है? कौन भटको? मेरा दोस्त। कितनी गलत बात है, मैं कब से आई हूँ, मैंने सोचा था स्कूल में वहाँ कुछ देर रुकी रही। सारे बच्चे चले गए हैं, लास्ट में आ रहे हो। सॉरी, आइंदा से मत करना ऐसा। बैनी बैठो, ले जा लेगा इसको। किनारे किनारे जाना। चल दिए ये कितने बड़े हो गए हैं। शिकार करने जा रहे हैं ये अपनी मम्मी जैसा ही है। और वो कितने अच्छे रहे ये देखो, स्कूल से आके ना ये लोग यहाँ पर खेल रहे हैं। दीदी के घर में भी आए हैं ये बच्चे सारे सामने, ये बड़े हो गए। पशु मत करो बेनी। चलो अंदर खेलने दो इन्हें। आज ये बाहर आ गए, देखो ये और दिन बाहर नहीं आते थे। मैंने आज पहली बार देखे जब से पैदा हुए। चलो ड्रेस चेंज करो, तेरी फोटो खींच दे इनके साथ। अब देख रोड में गाड़ी आएंगी तो चलो 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 भैया अंदर चलो, ये तो ऐसे खेलते रहेंगे। चलो आओ। क्या डॉगी पालना? डॉगी पालने प्लीज 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 प्लीज। दोनों में से एक बाहर चला जाओ, डॉगी अंदर। तो भाई घर के अंदर आ गए हैं ना। पहले बहनी हमको डांस करके दिखाएगी। कैसे करा डांडिया स्कूल में? तो जी डांडिया ना मैंने घर पे ही बनाई थी, और कैसे बनाई थी वो मैं आपको दिखाऊंगी। कल रात बनाए थे मैंने ये। कितने बज रहे थे उस समय? 10 बज गया था ना। हाँ, 10:30 बजे रात को बनाया अचानक ही। तो फटाफट एक डंडी लेके इसको पहले मैंने काटा, फिर ये बनाई। तो कैसी लग रही है डांडिया बताना, और मैं आपको थोड़ी सी क्लिप मैंने बनाई थी छोटी सी कल रात की, वो दिखाती हूँ। उसको देख के बताइएगा। कैसी लगी हमारी डांडिया? होममेड डांडिया। चलो बहनी का प्रोग्राम भी निपट गया, नवरात्रि फंक्शन, और बहनू थक गई है। अब बहनी को फटाफट खाना खिलाते हैं, हम फोटोशूट में रह गए और टाइम भी हो गया है। आजकल मैं ना 8th क्लास की
और सेवेंथ क्लास की, एट और सेवेंथ क्लास की दीदी, नहीं एट्थ क्लास की ही दीदी, माता बनी थी थोड़ी थोड़ी। अभी देखा तो था मैंने रास्ते में आते समय, बहुत प्यारे प्यारे बन के आए थे सारे बच्चे। और हमारी गुड़िया कैसी लग रही थी जरूर बताइएगा। फिलहाल तो ये ऐसी बन के आ गई है, सुबह भी मैं ना इसकी अच्छे से क्लिप नहीं बना पाई, और स्कूल से आके तो फिर आपको पता ही है बच्चे कैसे हो जाते हैं। फिर भी अच्छी लग रही है, बाल ख़राब नहीं हुए हैं अच्छे से, और ज्वेलरी वगैरह इसने सब पहले ही खोल दी थी क्योंकि ये डॉगी के साथ खेल रही थी। और तो मैंने किसी को अपने बाल भी नहीं छूने दिए, तभी सही है वो, वरना ख़राब हो जाते हैं। तो फिलहाल ना कैसी लग रही थी बहनी ज़रूर बताइएगा। और इसका डांडिया प्रोग्राम भी हो गया, थोड़ा इसने हमको दिखा तो दिया लेकिन बिना साउंड के ना अच्छा नहीं लग रहा था। गाना कौन सा था गाऊं मैं एक बार, करेगी चल। आवी गई रात बड़ फूलो वरी बा, प्रेम ने आ मौसम छे, अब आओ मेरे साथ रह जाओ मेरे पास, प्रेम लिया मौसम छे। अच्छा ऐसे करी थी, मिल जाए मुझको अगर साथ तेरा तो छू लूं मैं सारा जहां, जो काड़ा तारा ए छबीला तारा अनंत देव। बाप रे कहीं मारे रखेगी मुझे डंडों से। अच्छा लग रहा है, म्यूजिक में बहुत प्यारा लगेगा, वेरी नाइस। तो ऐसा रहा बहनी का प्रोग्राम। चलो आप कपड़े खोलो और सबको बाय बोल दो। बाय बाय दोस्तों। कैसा लगा आपको हमारी बहनी का डांडिया जरूर बताइए। और आज की वीडियो को भी हम इतना ही रखते हैं, बाकी आपकी नवरात्रियाँ सब अच्छे से हो रही होंगी और आशा करती हूँ अच्छी होनी भी चाहिए भाई। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और प्लीज़ प्रणाम बाय तो बोल दो। तो जी आज की वीडियो को ना इतना ही रखते हैं। प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ आप सभी को प्रणाम, पहला जय माता की, क्योंकि नवरात्रियाँ चल रही हैं बाबू, तो माता रानी की जय जयकार तो होनी चाहिए। जय माता की, जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंडी, बाय।